फरिश्ता? कभी कभी सोचता हूँ वह आदमी है या कोई फरिश्ता। फरिश्ता की तरह उसकी सोच है, कार्य करने की पद्धति भी आम आदमी से हटकर है। जी हाँ, मैं ऐसे एक व्यक्ति की बात कर रहा हूँ जिसका नाम सूरज गुप्ता है। लोग कहते भी हैं कि नाम का असर उस व्यक्ति के स्वभाव पर भी पड़ता है। स्वभाव ही आदमी को आदमी या फिर फरिश्ता बना देता है। सूरज हुगली जिले के चांपदानी का निवासी है, लेकिन आम नागरिक नहीं बल्कि खास नागरिक है। खास इसलिए है क्योंकि वह चांपदानी के 19 नंबर वार्ड के पार्षद है, और पार्षदों में खास इसलिए है क्योंकि अल्प समय में शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए जो काम किया है वह काबिले तारीफ है। नए नए सोच के जरिए अपने वार्ड के विकास में 40 से 42 वर्षीय इस व्यक्ति का क्या कहने हैं? इस सूरज गुप्ता को हमने फरिश्ता क्यों कहा, इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। दो दिन पहले की बात है, चांपदानी के इस शख्स को मैंने 23 नवंबर की रात अपने नगर पालिका क्षेत्र से कई किलोमीटर दूर चंदननगर में आयोजित होने वाला बंगाल का सबसे बड़ा कार्निवल जगतधात्री पूजा का शोभायात्रा में केक बांटते दिखा। यह शख्स किसे केक बांट रहा था जो इस भीड़ कुछ कमाने की आस लेकर बैलून बेच रहा था, पिपहरी बेच रहा था, बैंड बजा रहा था, बिजली की सजावट को रिक्शा पर खींच रहा था, उनमें वह केक बांट रहा था। उसे पता था कि एक एक पूजा कमेटी में इस तरह के बैंड बजाने वालों की संख्या कम नहीं है। 62 पूजा कमेटी के लोग कार्निवल में शामिल है, लेकिन सूरज ने एक भी पूजा कमेटी के विसर्जन शोभायात्रा में शामिल लोगों को निराश नहीं किया, केक बांटता ही चला गया। लोगों ने पूछा कि चांपदानी से राजनीति करने चंदन नगर आ गया है, लेकिन उसने निरव रहकर हंसी में ही अपना प्रत्युत्तर जाहिर किया कि उसने मानवता के नाते ऐसा किया। अब बताइए इस आदमी को आदमी कहा जाए या फिर फरिश्ता। फरिश्ता का अर्थ को डिक्शनरी में जब मैंने तलाशा तो पाया कि देवदूत, स्वर्ग का दूत, ईश्वर का अदृश्य संदेश वाहक। मुसलमानी धर्म ग्रंथों के अनुसार ईश्वर का वह दूत जो उसकी आज्ञानुसार काम करता हो, बहुत ही सज्जन और सरल स्वभाव का व्यक्ति जो परोपकारी हो। लेकिन मेरे विचार से फरिश्ता एक आकाशीय सत्ता है जो विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं में मानवों के सहायक बनकर पृथ्वी पर नेक काम करने के लिए आया हो। इनके रूप, गुण और कार्यों का वर्णन विभिन्न धर्म ग्रंथों और कई पौराणिक किस्सों में मिलता है। उन्हें सच्चाई, न्याय और दया के प्रति प्रतिबद्ध रूप से वर्णित किया जाता है। फरिश्ता शब्द अक्सर सौंदर्य और दयालुता के साथ जुड़ा होता है, और यह साहित्य, कला और धार्मिक विचार में एक महत्वपूर्ण सिंबल बना हुआ है। फरिश्ता शब्द का उपयोग भी गैर धार्मिक संदर्भों में भी होता है। इसे कई भाषाओं में अच्छा आदमी या दयालु व्यक्ति के रूप में भी व्याख्या किया गया है। नेक बंदा ही नहीं तू इस जग का फरिश्ता है। नसीब है मेरा कि तुझसे दोस्ती का रिश्ता है। मुरली चौधरी।